लोग आपकी औकात की बात करेंगे, आपकी औकात पूछेंगे क्या औकात है आपकी, आप बोल के जवाब दोगे या कुछ करके जवाब दोगे, कब तक जागोगे तुम, कब नहीं त्यागोगे तुम, कब सफलता के राह पे चलोगे ये बता दो, अपने माप से झूठ बोलना बंद कर दो। जय हिंद साथियों। सीने में है लगी आग, बुझाना नहीं आता, हम बार बार हार क्यों ना जाए, मगर कोशिश छोड़ना हमें ना आता। इस चीज़ को जान लो, कोशिश करोगे तभी जीतोगे। हमेशा हमेशा बच्चे का यही रहता है कि यार छोड़ना, आज नहीं पढ़ता हूँ, कल पढ़ता हूँ, कल नहीं परसों पढ़ता हूँ। ऐसे करोगे ना पूरी लाइफ बीत जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। माँ बाप से दूर रहते हो, नहीं पढ़ते हो, सिर्फ नेगलेक्ट करते हो, छोड़ना कल कर लेंगे, और इसी के चक्कर में लास्ट एग्जाम के कुछ दिनों टाइम बचा रहता है तब पढ़ते हो, ऐसे सिलेक्शन होने वाला है क्या? जलती आग को लगा लो अपने सीने में, यही आपकी सफलता का मूल मंत्र दिखाएगा। अगर फिर भी ना जल पाया ना, अपने माँ बाप की आंखों में देख लो, एक एक दिन रात दिन एक करते हैं, न जाने कितनी बातों को सहन करते हैं, फिर भी आपको हमेशा खुश रखते हैं। सीने में चिंगारी न जगी ना तो कोई फायदा नहीं आपका रहने का, समझ गए? ये फालतू का टाइम बर्बाद करना, यहाँ वहाँ करना, जो भी टाइम है ना वो अपने गोल पे लगाओ, समझ गए? गोल मेक योर बॉडी लाइक सोल, समझ गए? गोल को ऐसे बनाओ ना कि अपने बॉडी को लगना चाहिए यार सोल है मेरा, आत्मा से जुड़ा है कि उसे पाना है। बहुत सारे एम मत रखो, एम एक ही रखो, उस पर इतना टारगेट करो ना कि एम भी थर थर आ जाए कि यार ये ना छोड़ेगा मुझे, ऐसे होने चाहिए, समझ रहे? और पढ़ने में मन नहीं लगता, और एग्जाम के टाइम आपको होता क्या है कि बहुत हड़बड़ा जाते हो, गड़बड़ा जाते हो, ये सब नहीं करना है, पेशेंस रखा करो यार, समझ गए? और हमेशा एक बार बोलता हूँ, जीवन एक ही है, या तो कुछ करके जाओ या मर जाओ, दो ही ऑप्शन, कर लो या पढ़ो, दो ही ऑप्शन आपके पास, समझ गए? याद रखो हर दिन अपने आप से झकझोर और पूछो, तुमने आज पूरे दिन क्या किया, जिस गोल के पीछे भागे थे, जिसके पीछे भागे थे, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, इंडिया हो, एयरफोर्स हो, किसी भी एग्जाम के लिए, सीने में आग ना लग रही है, मेहनत नहीं कर रहे हो तो सोच रहे हो क्या सफलता मिल जाएगी? अपने आप से पूछो और खुद आपका मन बताएगा। बेवकूफ किसी और को बनाना अपने मन को नहीं, हम पूरे दुनिया को झुटला सकते हैं अपने मन को नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना। माँ बाप आपके सच्चे दोस्त ही, आपके सच्चे मित्र हैं, आपकी किताब कॉपी ही आपके सच्चे मित्र हैं, बाकी कोई इस मतलबी दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देगा। लोग मोहब्बत मोहब्बत की बात किया करते हैं, लेकिन उन्हें ये ना पता कि अगर इससे मोहब्बत कर लेना, इससे इस बुक कॉपी से मोहब्बत कर लेना, सफलता दे के छोड़ेगी, ऐसी है ये दोस्त, समझ गए? लोग तो अक्सर गैरों में अपनी परछाई ढूंढा करते हैं, हमें तो अपनी माँ, अपने देश और अपने किताब को भी अपनी परछाई मिलता है। आज नहीं तो क्या हुआ, क्या हुआ, सफल नहीं हुए एक बार तो, 10 बार नहीं तो, 20 बार नहीं तो, मेहनत करोगे ना आग लगा दोगे, और दूसरे के कहुए पर मत जाओ, अपने आप पर झकझोरो, देखो कि तुम्हारे पास क्या एबिलिटी है, समझ गए मेरे दोस्त? इस चीज़ को ध्यान रखना। अब भी खून ना खोला ना, वो खून नहीं पानी है, और ऐसी बेकार जवानी है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।